काफी खूबसूरत सा नजारा आप देख सकते हो यहाँ पे, इंजनवा खाली खड़ा है और अभी यहाँ पे फोटो चल रहा है। भाई सब देख सकते हो ये पूरा फॉग है और ठंडी, मतलब जबरदस्त मौसम है, काफी खूबसूरत सा मौसम आप देख सकते हो। और ये वन बाई वन सबका नंबर आएगा, एक एक करके जाओ, सबका नंबर आएगा भाई, एक एक करके जाओ। ये हमारे फोटोग्राफर है मिस्टर आतिफ खान है, अब देखो एक वन बाई वन सब लोग जाएंगे फोटो लेने के लिए। और काफी खूबसूरत सा ये नजारा है माथेरान स्टेशन का, अब देख सकते हो। अरे का हाल चाल है जो मोतरी बना, पकड़ ऐसे पकड़ ऐसे खाली। सो गाइस नाउ माय टर्न, सो आई एम गोइंग टू हैव सम फोटोज। रुक रहे मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा आज, तो गाइस आप देख सकते हो। अरे 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 पाप रे पाप, देख फोटो से हट 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 हट, देख बाबू साइड में पलट जी गए। उठ के बैठ के सब जैसे फोटो खिंचाएंगे हम लोग आज, बंद कर दो बंद कर। सो गाइस आप देख सकते हो ये घोड़ा है ना, घोड़ा इससे भी ऊपर आप जा सकते हो। इसका क्या रेट बोला जाती है, हट डॉट क्या है ये, क्या बोल रही, कहाँ वापस जाने के लिए ये, हाँ घर जाएंगे तेरा इसमें। वाह कितना बोल रहा था, 750 अरे बाप रे बाप, ये देखो इससे इतना महंगा, 1100 रुपए ज्यादा लंबा है क्या यार, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस आपको बता दो यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाने के लिए आप घोड़ा खच्चर जो भी है आप ये भी प्रेफर कर सकते हो, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये भी आप कर सकते हो। आतिफ इसका रेट पूछो इसे, तो क्या है कैसे जाएंगे, पूछो क्या रेट होता है इनका, कर लेते क्या। हाँ वो लेके जाएंगे ना नीचे, पूछ पर पर्सन कितना जाएगा एक आदमी के लिए, कहाँ लेके जाओगे अब इधर की इधर। कितना कितना बोल रहे, 1500 रुपया ना, लेके जाएंगे हम, लेके आएंगे भी इकट्ठा लेके जाएंगे। तो गाइस देखा आपने यहाँ पे ये भी सुविधा है जिसमें 1500 बोल रहे हैं। नरोजी गार्डन, एक गार्डन है और उसी में गार्डन भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट साइड लेके गार्डन का व्यू दिखा रहे हैं। और गार्डन में भी आप चाहो तो वहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो, वहाँ के आराम आराम कर सकते हो। बट ये मानसून है, बारिश में जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बारिश हो रही है और विदाउट रेनकोट आप नहीं जा सकते। और आप देख सकते हो कौन सा पॉइंट लिखा है, माधव जी पॉइंट। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग आउट देयर, सो जस्ट वेट एंड वॉच, लेट मी गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा, और नीचे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, देख सकते हो ये पानी नहीं है यार, ये मुझे बादल या फिर फॉग लग रहा है, पानी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वाटर एट ऑल, और ना ही कोई नदी है समुंदर है, ये बहुत ऊपर है हम लोग जिसके चलते हुए देख सकते हो, पानी नहीं है ये और ना ही कोई दीवार है, ये है फॉग या फिर बादल। चलिए निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते, पानी चाहिए पानी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं खंडाला पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा था एंट्रेंस पे, तो मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम हेयर, सो आई विल ट्राई टू शो यू आउट एवरीथिंग फ्रॉम देयर फ्रॉम द टॉप। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फॉग है, थोड़ा सा धूप निकल जाती थी ना तो काम लोहा हो जाता। ये आते हट हट, बस यही देखना, अरे यार सीन हो गया, कैमरे में मेरी शक्ल दिख रही है भाई, बाप रे बाप, इन काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा धूप हो जाती थी ना तो ये जो फॉग है ना, फॉग खत्म हो जाता था। खंडाला पॉइंट अभी बारिश आ गई ना, हट जा खंडाला पॉइंट तो हमारा हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं पॉइंट, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, लोग मुझे मालूम नहीं, आगे जाके देखते हैं क्या है कैसे है और कितने दूर और चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलने हो नहीं रहे एक्चुअली, अभी बहुत लंबा चलना है गाइस आप देख सकते हो ये, लेकिन रास्ता काफ़ी
खूबसूरत लग रहा है, मजा आ रही है, इसमें इंजॉय कर रहे हैं। ये रास्ते की गलती नहीं है ना, ये पेड़ पौधों की गलती है, ये किसी की भी, ये उनकी गलती है जो इस मौसम में आ नहीं रहे हैं। उनको चाहिए कि एक बार आगे माथेरान विजिट कर लें। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा। काफ़ी दूर अंदर चलते हुए हम लोग आ चुके हैं बाई वॉक, और भी अंदर जाना है, फिर भी चलते आगे अंदर आपको दिखाते हैं आगे बढ़ के। भाई ये कोई ट्रैकिंग और एडवेंचर से कम नहीं है, आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है, और थोड़ा सा भयानक भी लग रहा है। और थोड़ा सा बाकी है, यहाँ पे कुछ दो या तीन पॉइंट्स है जिसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी अंदर की तरफ देखेंगे जाके। थोड़ा सा भूख लग रही है, नाश्ता करेंगे, 10 बज गया है तो आप देख सकते हो। और भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग, आगे बढ़ते देखते हैं क्या होता है। कि बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, और आगे चल के अभी एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे चीज़ें। सो गाइस आपको बता दूं, अभी फिलहाल बज गया है 10, और आपको करना है नाश्ता, और उससे पहले भी हम जा करेंगे। आप वहाँ देख सकते हो मेरे पीछे वो साइड, वो इको पॉइंट है, वहाँ पे भी हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी यहाँ का नज़ारा तो आप देख रहे हो, हवा इतनी खूबसूरत चल रही है, इतना फ्रेश फील हो रहा है। कैसा लग रहा है समीर भाई तुमको यहाँ पे? बहुत फ्रेश फील हो रहा है ना। अब बाल वाल देखो कैसे उड़ रहे, एकदम जुल्फे उड़ रहे हैं। नीचे का दिखाया है पब्लिक को एक बार, अभी थोड़ा सा मजा आ रही है। और गाइस एक चीज और है, अगर आप माथेरान आना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट सीजन, आप इस वेदर में, इस सीजन में आ सकते हो मानसून में, क्योंकि चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, चारों तरफ, समझ रहे हो, और बहुत इंजॉय कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें आपको अभी आगे चल के भी दिखाऊंगा लुसिया पॉइंट से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो बारिश में जो है ना, मोबाइल तो मेरा कई बार बोल चुका हूँ, फिर नहीं बोलूंगा। आप देख सकते हो नीचे उतर रहे, इट इज वेरी डेंजरस। आप देख सकते हो, बाप रे बाप, भाई मैं मोबाइल रखने जा रहा हूँ। ए पुनी सुपरस्टार क्या कर रहा है बे? तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट मार के ऊपर से नीचे की तरफ आ चुके हैं, एंड नाउ जा रहा मोबाइल रखने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी देख सकते हो कुदरत की करामत। वहाँ पे आप देखो धूप निकली हुई है, और हमारे यहाँ देखो आप जो है कि बारिश हो रही है, और थोड़ा सा मौसम, अब हवाएं का, हवाएं देखिए आप कितनी खूबसूरत। और ये देखिए हमारे टीम मेंबर्स लोग को, ये क्या कर रहे हो? सो गाइस आपको बता दूं, टू बी वेरी सीरियस, ये जो पॉइंट पे भी हम लोग फिलहाल आप देख सकते हैं, बारिश होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ना, इसका मलंग पॉइंट नाम है, बहुत कोई है नहीं, सिर्फ हम लोग ही है बिकॉज ऑफ दिस रेन। और नीचे का व्यू देखो, ये देखो फॉग उड़ रहा है, फॉग है कि बादल है, काफी खूबसूरत व्यू है, हवा। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने, वड़ा पाव खाने। अभी मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे धूप थी यार, ये गॉड इज रियली क्रिएटिव, आप देख सकते हो। ये अभी अभी दिखाया था मैंने, 2 मिनट के अंदर, आई थिंक 2 मिनट नहीं लगा होगा, ये पूरा फॉग है, फॉग मुझे बादल लग रहा है। ये देखो खाली होने लग गया, हवा इतनी जबरदस्त चल रही है ना कि अगर कोई पत्थर सुबह आदमी ना तोड़ जाए भाई, हमारे फुरकान भाई तो उड़ी जाएंगे। ये बादल है गाइस, दिस इज नॉट फॉग, दिस इज क्लाउड, आप देख सकते हो ये क्लाउड है। और ये जिस पॉइंट के नीचे से मैं, जिस पॉइंट जो नीचे का सब देख, ये पॉइंट का नाम मलंग पॉइंट है, देख सकते हो। और ये जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद, अच्छा है कि बारिश थोड़ा कम हो गई है, और ये मौसम बहुत खूबसूरत, और इस मौसम में आपको आना चाहिए। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं लुसिया पॉइंट पे, लुइसा पॉइंट पे आ चुके हैं, नोन एज अ फोटोग्राफर, फोटो डिफरेंट पिक्चर्स व्यूज फ्रॉम द पॉइंट, यू कैन सी, आप पढ़ सकते हो भाई, मैं एक सेशन शॉट बाजू में लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो जो लुइसा पॉइंट है, आप यहाँ पे, आपको दूसरा पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन ये तीसरा पॉइंट मैं विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, और आपको मैं नीचे की तरफ से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी। आप देख सकते हो ये चीज़ें जो है ना, बंदर बहुत, इन लोग को ना ये मंकीज को खिलाओ पिलाओ मत, ये बहुत खतरनाक है, और खिलाओ पिलाओगे तो वो उसमें सजा दी जाएगी, क्योंकि पनिशेबल ऑफेंस है, ऐसा हर जगह लिखा है। ओ माई गॉड,
क्या व्यू है आप देख सकते हो, ये आप कैसा आपको लग रहा है आप मुझे गाइस कमेंट करके बताओ, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, ये वाटरफॉल, ये बादल, ये पहाड़, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नीचे है ना तो चलने दिक्कत हो रही है और काई वगैरह भी लगी हुई है। सो गाइस आप देख सकते हो ये लुइसा पॉइंट, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आ रही है ना वो चीज़ आ रही है, वो दिल जीत रहा है मेरा, वाटरफॉल बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आपको दिखा दूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा लंच तो नहीं कह सकते, अभी 10:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग जो अपने साथ लाए हैं वो थोड़ा सा वड़ा पाँव वगैरह खाएँगे, उसके बाद चाय वाय पियेंगे और फिर उसके बाद चौथा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे आगे। पॉइंट एट माथेरान और बहुत मज़ा आ रही है, बादल देख के हवा बहुत जोर से चल रही है, अगर ज़्यादा किनारे पे खड़े रहेंगे लाइक यहाँ पे खड़े रहेंगे ना आप उड़ भी सकते हो और गिर भी सकते हो, समझ रहे हो, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग। देखो तो अभी मार दूंगा, भाग जाए यहाँ से मार दूंगा। नई चीज आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे मंकीज है, मंकीज मतलब बंदर, बहुत सारे बंदर हैं और उनका इलाज क्या मालूम, अभी हमने हमारे साथ एक गेम हुआ आपने वीडियो में देखा होगा, उनका इलाज सिर्फ एक ही है, ये है उसका स्लाइंग शॉट, स्कॉल स्लाइंग शॉट मतलब गुलेल दिखा दोगे ना सारे बंदे गायब, बंदर गायब हो जाएंगे, कोई नज़र नहीं आएगा वहाँ पे, यहीं पे अंदर बैठे रहते सब लोग साले, बहुत गेम कर रहे, बहुत लोगों के साथ नुकसान करवा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप आना तो किसी से भी गुलेल ले लेना, यहाँ पे कुछ भी खाने पीने निकालने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि बंदर लोग आपके चारों तरफ हैं और आपको खाना खा जाएंगे और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इसको प्लीज़ कुछ भी मत खिलाओ इन लोग को, क्योंकि ये ऑफेंस है और आपको उसकी सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, बहुत सारे बंदर होते हैं समझ रहे हो आप, तो उनका एक ही उपाय, बंदर का एक ही उपाय, इट्स कॉल्ड स्लैंग शॉट इन इंग्लिश एंड इन गुलेल, खाली गुलेल दिखाना है, मारना नहीं है प्लीज़ गाइस, आप मारना मत इन लोग को। अब देखो एक बंदर वहाँ पर बैठा हुआ है राइट, अभी इसको गुलेल दिखाऊँ भाग जाएगा, ओए देखो तो इस तरीके से दिखा देते तो वो लोग भाग जाएंगे। सो गाइस इस बात का ख्याल रखना, कुछ भी खाने का सामान निकालने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि बंदर आप लोग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डोंट फीड एनीथिंग टू देम, इफ यू फीड देम से यू विल बी पनिश्ड, ये साफ साफ लिखा है एंट्री करने के बाद ही, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी देखो बंदर आया ना, ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बंदर आया, इसको गुलेल दिखाऊंगा भाग जाओ, देख सकते हो ये लेक पॉइंट है, जो कि मुझे लग रहा है ये मैं आखिरी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है लेक पॉइंट, और रश देखो आप, रश बहुत ज़्यादा है, रश लेक पॉइंट। सो गाइस आपको बता दूँ ये लेक डैम है, और लेक डैम मतलब ये आखिरी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, ये जो है ना बहुत गहरा है और पानी इतना ठंडा है कि मैं बता नहीं सकता, पानी बहुत ठंडा है और आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो पानी जा रहा है पूरा वाटरफॉल हो रहा है उधर, ठीक है। और यहीं पे अभी इसको हम भी थोड़ा जाके वीडियो वगैरह शूट करेंगे अंदर, और मैं भी नहाऊंगा उसके बाद यहीं पे वीडियो को रोकता हूँ, बंद करता हूँ, क्योंकि मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज हो रखा है। डाल दे बैग में, बीच वाली चेन खोल के डाल दे।